चलिए जी, एनी प्रॉब्लम इन प्रीवियस क्वेश्चंस? इफ यू हैव डन एनी प्रॉब्लम इन दैट बता दो मुझे. हाँ जी बोलिए. चलिए फिर, अगर आपने नहीं कुछ पूछना तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आज जो हम उसमें पार्ट करने वाले हैं दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स. हाँ जी बोलो. फोर्थ एमसीक्यू ऑफ प्रीवियस. ओके वेट अ मिनट. एक मिनट. थर्ड थर्ड एमसीक्यू, अ सिलेंड्रिकल टब. दिस वॉज ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर. अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिसफियर इज इमर्स्ड इनटू द टब. इफ द रेडियस ऑफ द हेमिसफियर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब. पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, है क्या हमारे पास. ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टब है. हाँ जी क्या बोल रहे हो बेटा, कम अगेन. जिसने अभी कुछ बोला था, क्या बोला था दोबारा बता दो, क्या कह रहे हो. माइक के पास आके बोलो बेटा, क्या कह रहे पास में आके बोलो माइक के बेटा. पास आ जाओ बेटा, बिल्कुल. आई से देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कंटिन्यू विद क्वेश्चन. आई थिंक दो ओके, शुड आई डिस्कस द क्वेश्चन टीचर. ओके, ये एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका रेडियस दे रखा है मुझे 5 सेंटीमीटर. रेडियस इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 9.8 सेंटीमीटर. ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 9.8 सेंटीमीटर हाइट है एंड दिस इज फुल ऑफ वाटर. अब हमने इसमें क्या किया, अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है. मतलब ये जो है इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया है लाइक दिस. ये आप लोगों ने, आपको मालूम ही है, अगर आप एक पानी से भरी हुई चीज है उसके अंदर इफ यू विल पुट समथिंग तो उसमें से कुछ वाटर बाहर आ जाएगा. तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज लेफ्ट इन द टब. तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर मैंने एक चीज में कुछ और डाला तो कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, हाउ मच वॉल्यूम विल कम आउट ऑफ द टब. जितना वॉल्यूम इस कंबाइंड सॉलिड का होगा वो उसमें जगह ले लेगा और वाटर को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हो, पता नहीं कौन सा तुम्हारा कोई लॉ भी होता है, मुझे नाम नहीं मालूम कौन सा लॉ होता है, बट पढ़ते हो तुम कि अगर एक पानी से भरी हुई कोई चीज है उसके अंदर आप कुछ भी डालते हो तो उसमें से जो सॉलिड आपने उसके अंदर डाला उसकी इक्विवेलेंट वॉल्यूम बाहर आ जाएगा. ऐसा होता है. मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो जी, हाउ कैन आई गेट द वॉल्यूम ऑफ वॉटर विच इज लेफ्ट इन साइड द सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे आएगा,
pi r square, सॉरी आर है 5, सो पाई आर स्क्वायर इनटू एच माइनस, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है. अब सॉलिड के बारे में हमें क्या दे रखा है, दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब इसका जो वो है व्हाट यू से, कोन का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, इफ नथिंग इज मेंशन वी कंसिडर कि दोनों के जो रेडियस हैं वो दोनों के बराबर हैं. अब सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, टू बाय थ्री पाई आर क्यूब, और कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर. और एच चाहिए मुझे कोन का. अब कोन का एच कैसे आएगा, अगर यहां पर हमें कुछ और मेंशन्ड नहीं है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो टोटल सॉलिड की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के बराबर, ठीक है जी. फुली इमर्स्ड इसका मतलब ही यही हुआ, फुली इमर्स्ड तभी होगा जब ये दोनों की कंबाइंड हाइट इस सिलेंडर की हाइट के बराबर हो जाए. इसका मतलब ये हो गया 9.8. अब मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए, ये हाइट कैसे आएगी बच्चों, 9.5. हाँ, ये हाइट चाहिए, ये टोटल 9.8 है. अब यहां से यहां तक की हाइट ये कितनी हो जाएगी, तो मेरे पास ये हाइट कितनी बच गई, 4.8 सेंटीमीटर बच गई. टोटल थी 9.8, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो ये जो कॉनिकल पार्ट बचा इसकी हाइट कितनी हुई, 4.8. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर 4.8 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, इसको इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इज इट ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. फोर्थ क्वेश्चन भी करना है डिस्कस, ये नोट करना है तो कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. नोट हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पर बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड बेस इज रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर. देखो जी, अब हमने यहां पर क्या किया है, मेरे पास अब है एक सिलेंडर, ठीक है जी. इस सिलेंडर में से मैंने क्या किया, एक कोन कट कर दिया है सेम हाइट एंड बेस, मतलब सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन मैंने इसमें से कट कर दिया है ऐसे. ये समझ में आया, आप इमेजिन करो कि एक पूरा सिलेंडर है आपके पास, उसके बीच में से एक कोन आपने निकाल दिया, ठीक है. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर. रिमेनिंग सिलेंडर का मतलब, अब मैं जो बात कर रही हूं मैं इस पार्ट की बात कर रही हूं,
मुझे रिमेनिंग सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक कोई चीज पूरी पड़ी है, उसमें से एक हिस्सा आप निकाल दो तो क्या हो जाएगा? अब मेरे को पूछा गया है वॉल्यूम एंड होल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। बोलो जी क्या करें? सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, और सिलेंडर और कोन अगर सेम हाइट और सेम रेडियस के होते हैं तो क्या उनकी वॉल्यूम्स में कुछ रिलेशन भी होता है? इफ आई हैव अ सिलेंडर एंड अ कोन विद सेम हाइट एंड सेम रेडियस, क्या दोनों की वॉल्यूम में कोई रिलेशन होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी है? 1/3 πr² h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। तो दोनों में क्या रिलेशन नजर आ रहा है आपको? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ दे आर हैविंग द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तो अब अगर मैं इस पूरे सिलेंडर में से इतना इतना पार्ट निकाल दूं, मतलब πr² h में से 1/3 πr² h निकाल दिया, तो बचेगा क्या? 2/3 ऑफ πr² h। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये πr² h में से 1/3 πr² h माइनस कर दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सिलेंडर में से कोन को निकाल दिया था, तो कोन की वॉल्यूम माइनस कर दी, तो क्या बचेगा? वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। सो यहां से क्या आ गया? 2/3 πr² h। ठीक है जी। अब आर आपको हाइट और आर दोनों चीजें दे रखी हैं, तो हो जाएगा काम? बताओ जी, हो जाएगा कि नहीं? हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर। ये आपका है 6 सेंटीमीटर। सो पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। इज इट ओके? Yes. अब अगली बात आती है सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। अब इसमें क्या करेंगे, ये बात कर सोचने की है बच्चों। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप किसी एक सॉलिड में से दूसरा सॉलिड रिमूव कर रहे हो तो वॉल्यूम तो सब्ट्रैक्ट करके मिल जाती है, लेकिन क्या एक नया सरफेस जनरेट हो जाता है हमारे पास? ऐसा होता है क्या? अब अगर मैं इस सॉलिड का आपसे पूछूं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में आप क्या क्या कुछ कंसिडर करेंगे इसमें? सरफेस एरिया की अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो देखो जरा, क्या ये एक नया सरफेस क्रिएट हुआ? ये जो बाहर वाला सरफेस था इसका, ये तो है ही, इसमें तो कोई कुछ गया ही नहीं है, ये तो एज इट इज है ही, लेकिन ये अंदर एक नया सरफेस जनरेट हो गया मेरे पास। इसका मतलब जब आप एक सॉलिड में से कोई दूसरा सॉलिड निकाल देते हैं, वॉल्यूम तो रिड्यूस हो गई, जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो आपका टोटल में से ये वॉल्यूम निकाल के मिला, लेकिन सरफेस एक नया जनरेट हो गया। तो अब नए सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस माइनस प्लस, ये वाला सरफेस चाहिए विच इज 2πr h, और कोन का जो सरफेस है वो चाहिए। क्या होता है कोन का सरफेस एरिया? पाई आर एच। ठीक है जी। अब क्या आपके पास L गिवन है? इज L गिवन? क्या निकाल सकते हैं L? Yes. मेरे पास R मालूम है,
और एच मालूम है, एच है मेरा 10, ये है मेरे पास 6, और ये एल मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस? एक बात और बताओ, जब आप यहाँ पर पाइथागोरस अब लगाएंगे तो मेरे पास जो एल आएगा दैट इज √136, राइट? 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर √136। अब मैं अगर आपसे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछूं, क्योंकि अंडर रूट्स को प्रॉपर सॉल्व करके करोगे तो ज्यादा से टाइम कंज्यूमिंग था, अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछूं, क्या मुझे बता सकते हो क्या होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेट कैसे अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं? देखो 136, 11 का स्क्वायर क्या होता है और 131 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। यस इसका मतलब मेरी जो ये वैल्यू है, इट शुड लाई बिटवीन 11 एंड 12, यस इट शुड बी नियरर टू व्हाट? 11 से ज्यादा अप्रोक्सीमेटी होनी चाहिए कि 12 से ज्यादा अप्रोक्सीमेटी होनी चाहिए? किससे डिफरेंस ज्यादा है, 136 और 121 का डिफरेंस ज्यादा है या 136 और 144 का डिफरेंस ज्यादा है? ये डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ये आपका 11 और 12 के बीच में तो होगा, लेकिन 11 पॉइंट, इट विल बी नियरर टू 12 एज कम्पेयर टू 11। पूरा निकालना अगर टाइम है तो प्रॉपर निकाल सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप अप्रोक्सीमेशन से चल सकते हो। और मैं इसको राउंड अबाउट 11.6 और 11.7 के आसपास एज्यूम करके चल सकते, ठीक है जी? यस चलो, तो अब हम करने वाले हैं आज का टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। व्हेन आई टॉक अबाउट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, इसका आपकी डेली लाइफ में, आप लोगों को तो शायद इतना आइडिया है कि नहीं है, आप लोगों ने कभी घर में सुना होगा अपनी मदर्स को बात करते हुए कि मेरे सोने के जो गहने हैं ना, मैं उनको पुराने वालों को मेल्ट करवा के नए तरीके के बनवा लूं, ऐसा कभी कुछ डिस्कशन में? वैसे आप लोगों के मतलब की बात नहीं है, बट डेली लाइफ से जो आपका एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का हमें सबसे ज्यादा समझ में आता है वो यही है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है कि आपने एक चीज को कन्वर्ट करके दूसरी शेप में डाल दिया, एक शेप से हटा के दूसरी शेप में डाल दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। तो अगर मैं किसी भी चीज को एक शेप से हटा के दूसरी शेप में डाल रही हूं, तो क्या चीज है उसके बारे में जो चेंज नहीं होती है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया चेंज हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक क्यूबॉइड हो, ये क्यूबॉइड पड़ा है मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने इस क्यूबॉइड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो क्या जो मैंने इसके लिए मटेरियल चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यूज की, वो चेंज हुई? वो तो चेंज नहीं हुई, लेकिन एक नया सरफेस जरूर जनरेट हो गया मेरे। जब मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगी तो जो दो चीजें मेरे पास बन के आएंगी, उसमें मेरे पास एक एडिशनल सरफेस क्रिएट हो जाता है। सो ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स दी वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम बट सरफेस एरियाज चेंज, सरफेस एरिया चेंजेस, वॉल्यूम सेम रहेगी, सरफेस एरिया चेंज हो जाता। तो जब भी मुझे कहा जाता है कि एक सॉलिड को कन्वर्ट करके दूसरे में मैं लेके गई हूं, तो मैं पुराना सॉलिड और नया सॉलिड की वॉल्यूम्स को हमेशा इक्वेट करके अपना काम करूं, ठीक है जी? असाइनमेंट मिल गई आपको? खोलो जी फिर, असाइनमेंट निकालो। और हम असर्शन रीजन से ही शुरुआत कर रहे हैं। ये असर्शन रीजन से भी पहले आप एक काम करो, जो केस स्टडी है उसको करते हैं पहले, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ो जी, क्या कह रहा है ये? टू मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव,
Amira's class teacher brings clay in the classroom to teach the topic surface area and volume. With clay, she forms a cylinder of radius 6 centimeter and height 8 centimeter. Then she molded the cylinder into a sphere and asked some questions to the students. क्या था पहले हमारे पास क्या था पहले क्या बनाया गया सिलेंडर और फिर सिलेंडर को किसने कन्वर्ट किया तो हम सबसे पहले सिलेंडर की जो भी मेरे पास वो है डायमेंशंस उसको देख लेते हैं सिलेंडर की मेरे पास जो डायमेंशंस हैं क्या क्या दिया मुझे सिलेंडर का रेडियस है 6 फॉर सिलेंडर रेडियस गिवन इज 6 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर अब मैंने इसको कन्वर्ट किया है एक स्फीयर में और उस स्फीयर की क्या चाहिए मुझे रेडियस चाहिए तो अभी अभी हमने कहा कि जब हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है अब जब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हो तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी यहां पर क्या करो इंस्टेड की मैं पहले इसकी पूरी वॉल्यूम कैलकुलेट करूं और फिर मैं सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट करूं फिर उसे इक्वेट करूं वो मत करो पहले फॉर्मूलाज डाल करके इक्वेट कर लो क्योंकि बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं हमारी बहुत बार कैलकुलेशन पार्ट रिड्यूस हो जाएगा देखो जी सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच एंड स्फीयर की वॉल्यूम पाई आर क्यूब अब अगर मैं इसको पहले कैलकुलेट करूं पाई की वैल्यू डालूं ये वो सब कहानी करूं तो बिना मतलब की कैलकुलेशन कर रही हूं क्यों क्योंकि ये और ये तो कैंसिल ही हो जाना है समझ रहे हो अल्टीमेटली इसने तो कैंसिल ही हो जाना है मेरे पास तो मैं क्यों इसको पहले कैलकुलेट करूं फिर इक्वेट करूं मैं पहले इक्वेट करूं जो जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसे कैंसिल आउट कर दो बाकी बची हुई चीजों का कैलकुलेशन करेंगे 6 × 6 × 8 ये 3 यहां पर आ जाएगा 4 यहां पर आ जाएगा दिस इज आर क्यूब 4 × 2 = 8 तो क्या अब आप आर क्यूब बता आर क्यूब की वैल्यू 6 × 6 × 2 × 3 सो व्हाट आर विल बी अगेन यहां पर अब ये नहीं कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं हमें यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा आर क्यूब क्या बन रहा है 6 × 6 and 3 × 2 = 6 सो इफ आर क्यूब इज 6 डायरेक्टली बाय कंपैरिजन आई कैन से आर की वैल्यू क्या है 6 सो दिस वे वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड स्पेशली इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पुट इन द फॉर्मूला जो कुछ कैंसिल हो गया उसे कैंसिल आउट करो एंड देन गो फॉर योर कैलकुलेशन पार्ट नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सो फॉर्म्ड ये आप निकाल लोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब अब आपके पास आर की वैल्यू आ गई है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस इज द क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू आंसर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम रहेगी कि अलग अलग हो जाएगी अभी अभी हमने क्या कहा कि जब हम एक कोनिक को एक सिलेंडर को जो गिवन सिलेंडर था उसको ही मैंने किसमें कंपेयर किया किसमें कन्वर्ट किया है स्फीयर में और मैंने ये जो रेडियस निकाला ये दोनों वॉल्यूम्स को बराबर करके तो निकाला तो क्या इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में कुछ फर्क आएगा या दोनों सेम आएंगे तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा 1:1 मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैंने एक सॉलिड को कन्वर्ट करके दूसरा बनाया है
और मेरा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब एक कन्वर्जन से एक सॉलिड दूसरा बनाते हो तो दोनों में क्या बराबर रहती है? वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम स्फीयर का भी होने वाला, तो रेशियो क्या होगी? 1:1। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 14th, पहले देखते हैं, फिर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया अच्छा 2 पाई R H प्लस 2 पाई R² अब इसमें से भी हम 2 पाई R बाहर ले लें तो H प्लस R वैल्यूज आर अवेलेबल विद यू। H भी हमें पता है, H 8 है, रेडियस 6 है, तो हम आंसर यहां से कैलकुलेट कर सकेंगे अपना। लास्ट बताओ जी, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, फ्रॉम वन शेप टू अनदर, द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप वुड इंक्रीज, वुड डिक्रीज, वुड डबल, वुड रिमेन अनचेंज्ड? अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड। तो ये जो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, इसमें सिर्फ एक ही बेस लाइन है, एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो क्या है कि जब भी आप एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बदलता नहीं है, वो वही का वही रहता है, जबकि सरफेस एरियाज वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं असर्शन रीजन पर। फर्स्ट असर्शन रीजन पढ़ो जरा ध्यान से और पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं इसके डिस्कशन शुरू करूंगी। जस्ट गो थ्रू द असर्शन रीजन एंड टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। बातें नहीं, बातें नहीं, फटाफट करो और आंसर बताओ मुझे क्या निकालो। असर्शन रीजन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट असर्शन, इफ टू मेटालिक राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल हाइट एंड बेस रेडियस 3 एंड 4 आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द कोन्स आर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर ईच। बस जी, बस बातें नहीं, फटाफट करो और बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आंसर करो बच्चों, यस और नो। मुझे कहा गया है इफ टू मेटालिक राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल हाइट एंड बेस, हाँ
दो कोन है मेरे पास, विच आर ऑफ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। टू मेटालिक राइसोस्फीयर और कोन्स ईच ऑफ हाइट एंड बेस, थ्री बेस रेडियस एज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक स्फीयर में कन्वर्ट किया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, देन कोन्स आर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर ईच। बताओ जी क्या करना है मुझे इसमें? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन इट कम नियर द माइक। मैम प्लीज भेज दीजिए किसी को माइक के पास, जिसका हो गया है क्वेश्चन, जिसने किया है, दोनों सेक्शन में से किसी को भी। हाँ जी, कर लिया किसी ने कि नहीं? असर्शन इज करेक्ट। किया क्या है ये बताओ मुझे। आपका असर्शन करेक्ट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर किया क्या है ये बता दो मुझे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दूं तो स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर हो जाना चाहिए। अब पहले कोन का वॉल्यूम कितना, फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हियर ऑल्सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई। मैं यहां पर ये रेडियस चेंज कर देती हूँ, बिकॉज ये रेडियस और ये रेडियस तो ऑब्वियसली डिफरेंट होने वाले हैं, सो आई टेक इट एज कैपिटल आर। अब ये पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, दोनों के इनके रेडियस भी डिफरेंट है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। सो आई हैव टू राइट, इसको आर वन ले लेते हैं, इसको आर टू ले लेते हैं, तो 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों कोन्स जो हमने लिए हैं उनके रेडियस जो हैं वो डिफरेंट हैं, सो 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई एच बाहर आ गया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच इंटू आर वन स्क्वायर हो गया 9, आर टू स्क्वायर हो जाएगा 16, दिस इज 4 आर क्यूब, और आर कितना दिया मुझे यहां पर, 5, सो आर इंटू 5 क्यूब, 5 × 5 × 5। यहां से एच मुझे निकालना है, तो 4 × 5 × 5 × 5, और नीचे क्या जाएगा, 16 + 9 दैट इज 25। 25, ये 25 इससे कैंसिल हो गया, सो हाइट हो गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर। इट मींस द असर्शन पार्ट इज करेक्ट, यस असर्शन इज ट्रू। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू से भी मेरे पास आ जाते हैं क्वेश्चन, या असर्शन रीजन भी लिखा हो सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेकेंड है रीजन, इफ टू राइसोसर्फियर कोन्स ऑफ सेम हाइट एच एंड बेस रेडियस आर वन एंड आर टू, यही चीज हो गई, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देन एच इज 4R² / R1 + R2, इज इट ओके? हाँ जी, यहां से देखो, ये जो हम रिलेशन निकाल रहे थे इसी को अब मैंने यूज करना है। अब मैं यहां पर सिर्फ एक चेंज कर रही हूं जो मुझे क्वेश्चन के हिसाब से करना है, दैट इज इसको क्या लिया गया है, इसको लिया गया है स्मॉल आर,
ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज नहीं डाल रही हूं, अब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे एच का एक्सप्रेशन चाहिए इसमें, तो अब मैं क्या करूं? लुक एट इट, व्हाट शुड आई डू? मुझे यहां से एच चाहिए, तो क्या बन जाएगा ये? यहां से मेरे पास बच रहा है एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4R2, ये बच गया, बाकी तो कैंसिल हो गया मेरे पास। तो एच क्या आएगा फिर यहां से? अब इट विल बी 4R2 अपॉन R1 2 प्लस R2। क्या यही आंसर दिया है मुझे या कुछ डिफरेंट दिया है? डिफरेंट दिया है। यहाँ मुझे रीजन में दे रखा है एच इज इक्वल टू 4R2 अपॉन R1 + R2, तो गड़बड़ हो गई। डिनोमिनेटर में इट शुड हैव बीन R1 2 प्लस R2 2, लेकिन यहाँ जो मुझे रीजन में दे रखा है दैट इज 4R2 अपॉन R1 + R2, तो मेरा जो रीजन है वो क्या हो गया? ट्रू के फॉल्स? फॉल्स हो गया। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा आंसर बनेगा? सी, स्टेटमेंट वन ट्रू और आई से असर्शन ट्रू, स्टेटमेंट टू फॉल्स और आई से रीजन फॉल्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सी। ठीक है जी। अब फटाफट से अगला असर्शन रीजन ट्राई करो जल्दी से और मुझे बताओ कि आंसर क्या बनेगा। जल्दी से जिसका हो जाए रेज योर हैंड एंड टेल मी। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, जल्दी से क्वेश्चन करो और आंसर बताओ। हाँ जी, असर्शन इज इट राइट और रॉन्ग? द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब लेड हुज एज इज 44 सेंटीमीटर ईच, ईच बॉल बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज 2540। मतलब हमने एक क्यूब से जिसकी एज है 44 सेंटीमीटर स्फीयर्स बनाए हैं जिनका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ऐसे कितनी स्फेरिकल बॉल्स बनेंगी? उनका नंबर यहां दिया 2540, इज इट करेक्ट और नॉट? अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर हमें करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने एक क्यूब था जिसकी साइड थी 44 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके उसमें से स्फीयर्स बना दिए और उन स्फीयर्स का डायमीटर मुझे दे रखा है। कितने ऐसे स्फीयर उसको मेल्ट करके बन सकते हैं ये मैंने बताना है। अब मुझे ये भी पता है कि जब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसको जितने भी स्फीयर बनेंगे उन सब की वॉल्यूम्स को ऐड कर दूं तो उसके बराबर होना पड़ेगा। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कितने बन रहे हैं, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं एन स्फेरिकल बॉल्स बना रही हूं
उसको एक बॉल की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होना चाहिए। पहले तो ये बताओ इज इट ओके और नॉट। तो अब आपके पास सारा डाटा दिया है, जरा वेरीफाई करके बताओ क्या नंबर ऑफ क्यूब्स 2540 आ रहा है। नंबर ऑफ बॉल्स के लिए आपको करना क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल करना है, दैट इज गोइंग टू गिव मी नंबर ऑफ बॉल्स। जल्दी से वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, स्फेरिकल बॉल कंसिडर कर रहे हैं हम, देखो जरा क्या आंसर बनता है। इज इट कमिंग आउट टू बी 2540 और नॉट। क्यूब क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब, सो 44 × 44 × 44 वॉल है स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम नमस्कार असर्शन इज नो रॉन्ग। यहां पर अब वॉल्यूम एक बॉल का वॉल्यूम है 4/3, मैं साथ साथ ही इसको ऊपर ले जा रही हूं, ये 4/3, 3 ऊपर चले गया पाई, तो 22/7 आर क्यूब। आर कितना दिया है मुझे, आर डायमीटर 4 है तो आर हो गया 2, तो 2 × 2 × 2 22 × 2 44, एक 44 कैंसिल कर देते हैं, ये 4 से कैंसिल किया तो 11 आ जाएगा, ये 4 से 11 आ गया। तो मुझे करना क्या है, 121 मल्टीप्लाइड बाय 21, दैट शुड बी माई आंसर। और मुझे यहाँ पर पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है आगे इसको, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 तो आ ही नहीं सकती, मेरे पास आंसर में दिया 2540। ठीक है जी, तो आप यू कैन सेव अपॉन द टाइम, मेरे से नंबर पूछा नहीं गया, मुझे सिर्फ वेरीफाई करना है कि 2540 है कि नहीं। मुझे यहीं से समझ में आ रहा है कि यूनिट डिजिट 0 तो हो ही नहीं सकती, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ कैलकुलेट करने का। आई कैन से माई असर्शन इज फॉल्स, असर्शन हियर इज फॉल्स। अब रीजन पे चलते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स इज वॉल्यूम ऑफ लेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, इज इट करेक्ट और नॉट। ये करेक्ट है, ये अभी हम पहले ही निकाल चुके हैं, इससे ही हमने कैलकुलेशन करी है अपनी। तो रीजन आपका ट्रू है बट असर्शन आपका फॉल्स हो गया, सो विच आंसर, आंसर इन दिस केस जो ऑप्शन हमारी मैच होती है, स्टेटमेंट वन फॉल्स स्टेटमेंट टू ट्रू, आंसर बिकम्स डी। चलिए जी अगला करो फटाफट। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर बना रहे हैं। सिलेंडर की हाइट 45 है, डायमीटर 4 है, और स्फीयर बनाने हैं मुझे डायमीटर 6 सेंटीमीटर के, और मुझे कहा जा रहा है कि 5 ऐसे स्फीयर बन सकते हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2² × h, दैट इज 45। अगेन नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने हैं तो n इंटू 4/3 पाई आर है इस केस में 3,
यहां से आपको n कैलकुलेट करना है, बताओ जी क्या बन रहा है n? ये पाई इस पाई से कैंसिल, ट्रू है, ये ट्रू है, यस ओके। एट सॉरी टू स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका फोर इंटू 45, ये थ्री आपका जाएगा न्यूमरेटर में, चार नीचे आएगा और थ्री क्यूब ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, ये आ रहा है एन। ये चार और चार कैंसिल, एक तीन से तीन कैंसिल, 9 5 14, सो एन का आंसर है 5, मतलब 5 स्फीयर्स हम बना पा रहे हैं, सो assertion is true in this case. अब रीजन देखो जी, रीजन को देख के आपको एक बात तो समझ में आती है कि पहले और दूसरे में से तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक नई कहानी शुरू कर दी है इसने, तो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि मेरा आंसर सी हो सकता है कि डी हो सकता है। सी और डी किस पे डिपेंड करेगा? कि मेरा आंसर, मेरा जो है, वैसे तो अगर आप यहां पर देखो तो अच्छा बी तो हो सकता है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू या फॉल्स आपको चेक करना पड़ेगा इस केस में। करिए रीजन को करिए चेक। थ्री सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 4 5 आर मेल्टेड इन अ सिंगल स्फेरिकल बॉल, देन इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। सिर्फ इसके कैलकुलेशन देखो क्या करना है, दोनों तरफ आपके पास स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक में रेडियस 3 4 5 और रिजल्टिंग का बोल रहा है 6 होगा, सो 4/3 pi आर वन क्यूब, 4/3 pi आर टू क्यूब, 4/3 pi r3 cube should be equal to 4/3 pi R³। तो अब मुझे सिर्फ क्या चेक करना है यहां पर, देखो मैंने क्या किया, तीन स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस को मेल्ट करके रिजल्टिंग एक स्फीयर ही बनाया है। रेडियस टू है, रेडियस टू है, एक का रेडियस, अच्छा जो फाइनल आ रही है उसका टू आ रहा है, यस देख लेते हैं। यहां से अगर मैं 4/3 pi इस पूरे एक्सप्रेशन में से बाहर ले लूं तो मेरे पास आएगा R1³ + R2³ + R³³ = 4/3 pi R³। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, आर वन है मेरे पास 3 3 का क्यूब 27, आर टू है 4 4 का क्यूब 64, और R3 है मेरे पास 5 5 का क्यूब 125। अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूं तो क्या मिलेगा मुझे, टू हंड्रेड एंड 16। तो बच्चे R2 तो नहीं आ रहा है, R कितना आ रहा है, रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस कितना आ रहा है, 6। 216 is the cube of 6. Resulting sphere का radius बन रहा है 6 सेंटीमीटर। तो reason कैसा हुआ बच्चों? True. Assertion भी true है, reason भी true है, लेकिन क्या reason assertion को explain कर पा रहा है? तो कौन सी option answer हो गई इस केस में? यहां पर मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। चलिए जी लास्ट असर्शन रीजन फोर्थ। यहां पर आपको दिया कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 mm थिक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं इसको, ये मेरा कॉइन है
जिसका डायमीटर और कुछ थिकनेस दे रखी है मुझे, इसको क्या कंसिडर करके चलूंगी मैं? विच शेप? सिलेंडर. जो यहां पर थिकनेस दे रखी है वो सिलेंडर का क्या हो जाएगा? कॉइन. कॉइन आप लोगों ने सबने देखा है, इमेजिन करो कॉइन. इट इज अ वेरी थिन सिलेंडर, आई कैन से नॉट थिन, आई शुड से वेरी लेस हाइट का सिलेंडर, आई कैन कंसिडर इट टू बी. जो थिकनेस अब दे रखी है कॉइन की, वो सिलेंडर का क्या होगा? हाइट. हाइट एक चीज. दूसरी चीज, यहां पर जो कॉइन है वो है सिलेंडर. सिलेंडर की हाइट कितनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा? 2 mm. बाकी सारी डायमेंशंस किस यूनिट में दे रखी हैं? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में. तो क्या मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं? Yes. बताओ फिर जरा. 2 mm है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? टू अपॉन 100 की 10 मिलीमीटर मेक 1 सेंटीमीटर. सो 2 by 10 cm ये हो गई है मेरी हाइट. Assertion true है. Assertion true है. Okay. और reason? False. Reason false तो नहीं है. Volume of cylinder pi r square h नहीं होता? क्या क्यूब का वॉल्यूम l into रीजन भी ट्रू है? नहीं है, नहीं है. ध्यान से देखो क्या दिया है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स एंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज एल इनटू बी इनटू एच क्यूबिक यूनिट्स. गलत हो गया? बस ऐसे ही घुमा देते हैं वो. यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि एल इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स, ये तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन किसका फॉर्मूला है? इज इट द फॉर्मूला ऑफ एरिया और वॉल्यूम? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट में क्या दिया है? एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूब नहीं, क्यूबॉइड. तो गलत हो गई assertion की नहीं हुई? रीजन रॉन्ग है. हाँ, रीजन रॉन्ग हो गया. पहला स्टेटमेंट रीजन दो पार्ट में था. पहला था वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वो करेक्ट है. अगर आगे मुझे दिया होता वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इन टू बी इन टू एच, तब तो ये हो जाता ट्रू. लेकिन यहां दे दिया है एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज एल इन टू बी इन टू एच, विच मेक्स इट रॉन्ग. सो बहुत केयरफुली आपने चीजों को पढ़ना है, समझना है, तब आंसर करना है. ठीक है जी. तो मेरा असर्शन इस केस में है ट्रू, लेकिन रीजन हो गया फॉल्स. तो कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों? सी. ठीक है जी. अब जरा जल्दी से 7th क्वेश्चन बताना मुझे क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताना जरा. A solid metal sphere of surface area S1 is melted and recast into a number of smaller spheres. S2 is the sum of the surface areas of all the smaller spheres. Then what is the relation between S1 and S2? कुछ values नहीं दे रखे, आपको सिर्फ comparison करने को कहा है कि S1 S2 से बड़ा होगा या S1 S2 से छोटा होगा या बराबर होगा. C option. S1 इक्वल होंगे. बच्चों फिर गड़बड़ कर रहे हो. मेरे पास ये एक बड़ा सारा स्फीयर था, मैंने इसको ब्रेक करके छोटे छोटे स्फीयर्स में कन्वर्ट कर दिया है. बच्चों जब आप कन्वर्जन ऑफ सॉलिड करते हो तो क्या सरफेस एरियाज सेम रहते हैं?
सरफेस एरिया सेम रहता है, क्या चीज सेम रहती है? और सरफेस एरिया क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब चेंज होने में इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? अगर मेरे पास, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर एक क्यूबॉइड है मेरे पास, मैं इसको छोटे क्यूबॉइड्स में कन्वर्ट कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो मेरे पास नए सर्फेसेस जनरेट हो रहे हैं कि कुछ सर्फेसेस गायब हो रहे हैं? नए सर्फेस जनरेट हो रहे हैं, तो सर्फेस एरिया क्या होना चाहिए? इंक्रीज। मेरी बात समझ रहे हो? Yes. तो अगर आप एक सफियर से बहुत छोटे छोटे सफियर्स बना रहे हो, तो जो इनका कंबाइंड सरफेस एरिया होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? S2 ग्रेटर देन S1। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम्स के कंसर्न में पूछा जाता कि इसकी वॉल्यूम V1 है और इन सब की वॉल्यूम V2 है, तो फिर मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? V1 is equal to V2. In that case, my answer would have been V1 is equal to V2. Question number 9 देखो जरा। टाइम अभी है मैम हमारे पास 1-2 मिनट या? Can we discuss this question or? Yes. Yes. Question number 9. Karo. Question number 9 hai, two solid rice circular cone have the same height. The radius of their bases are A and B. They are melted and recast into a cylinder of same height. The radius of base of the cylinder is. अब ये जो हमने पहली assertion reason की थी, उसके reason को check करने के लिए जो काम हमने किया था, वही सेम चीज यहाँ पे करनी पड़ रही है। मैं क्यों इसको करवाने में इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, तब तक तो आप ठीक रहते हो। जैसे ही नंबर ABC आ जाता है, थोड़ी सी घबराहट शुरू हो जाती है। तो बस वो घबराहट खत्म करने के लिए ये क्वेश्चन कह रही हूँ। एक बार खुद से ट्राई करो। मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं हर बार कह देती हूँ कि फिर मैं बोल पड़ती हूँ। अब आप लोगों से ही मुझे आंसर चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग आउट ऑफ इट। शाबाश, जल्दी से करो फटाफट और आंसर बताओ मुझे क्या बनाओगे। आंसर फॉर दिस इज डी। सिर्फ हमने फॉर्मूलाज को इक्वेट कर देना है, जो जो कुछ रेडियस और उसकी वैल्यूज दे रखी थी वो पुट इन करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो अब आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8। ये तीनों आप ट्राई करके आओगे, अगली क्लास में हम इनके ऊपर डिस्कस करके फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Thank you, ma'am. Bye-bye.